नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने हेतु जारी हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आज खटीमा तहसील प्रशासन की टीम ने लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ खटीमा की पीलीभीत रोड के किनारों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से किए गए कच्चे अतिक्रमणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी जारी की गई। इस पूरी कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को बताया कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार खटीमा के राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत आज खटीमा की पीलीभीत रोड से अस्थायी अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इसके बारे में आने वाली 25 को हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। इसके अलावा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। जो भी हमारे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसे अतिक्रमण हटाया गया। लिहाजा इसी क्रम में हमने पहले भी झंकट एरिया में हमने अतिक्रमण हटाया है और आज यहाँ पर पीबी रोड में हम पीडब्ल्यू के साथ मिलकर यहाँ पर सारे अतिक्रमण हटा रहे हैं। जो आरओडब्ल्यू होता है हमारा पीडब्ल्यू का राइट ऑफ रोड, उससे हम सारे अतिक्रमण को हटा रहे हैं। इसके 25 तारीख तक हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी है माननीय उच्च न्यायालय में। तो अभी फिलहाल हम ये पूरा जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है या परमानेंट स्ट्रक्चर है, जो राइट ऑफ वे में आ रहे हैं, उनको हटाएंगे। बाकी जो सरकारी भूमि है उसमें अलग से कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।